भाई मैं कौन सी गाड़ी चाहिए आप, गाड़ी बोलो मैं करवाऊं। टेस्ला, टेस्ला की सिक्योरिटी बहुत आई है बट वो मैनेज हो जाए। उथल पुथल कर दी, जानो जानते उसका एलियस को मिलवा दो भाई। तो गाइस जय श्री राम सबको। और भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर सैटरडे को हम लोग एल्विश यादव फाउंडेशन की तरफ से एक भंडारा करते हैं जिसमें मात्र 5 रुपए में हम लोग लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं। तो वैसे ही आज 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बड़ा भंडारा करा था एल्विश भाई के, भाई के मतलब प्रेयर से लेके भाई जीते हैं और आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, भाई जीत के भी आ गए भाई। तो यही है कि अब आप लोगों की बस हेल्प है, आप लोगों की दुआ है कि भाई अभी तक ये खाना अभी तक भगवान की तरफ से चल रहा है। तो भाई मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ आज हमने क्या क्या बनवाया। भाई हमने आज यूजुअल बनवाया है चावल और आज है छोले। भाई मस्त अपना आज थोड़ी भाई आप लोगों को बोर्ड दिखा देते हैं। बाकी अगर आप में से किसी को भी सपोर्ट करना हो तो भाई हर सैटरडे को डॉक्टर लाल नर्सिंग होम है न्यू रेलवे रोड पे, उसके जस्ट अपोजिट में पड़ता है ललित टेंट हाउस। तो भाई यहाँ पे आप लोग आके भाई वो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स ललित यादव फाउंडेशन की, अगर आप भी चाहते हैं कि भाई खाना ऐसे ही चलता रहे, भाई हमेशा हम लोग भला करते रहे लोगों का, तो भाई प्लीज़ अपने एंड से जो भी हेल्प हो सकती है वो करिए। और भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों में डोनेशन करो, हजारों में डोनेशन करो, श्रद्धा श्रद्धा अपनी आप लोग होता है। जैसे आपको यहाँ के हेल्प कराने तो वो भी आप लोग कर सकते हो, फ्यूचर में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स आने वाले हैं यादव फाउंडेशन की तरफ से। पर भाई ये चीज़ अच्छी लगती है देखिए कि भाई हमारी वजह से भाई किसी का पेट भर रहा है, आप लोगों की वजह से किसका पेट भर रहा है। तो भाई यही है सिर्फ 5 रुपये, और 5 रुपये भी गाइस इसमें ताकि किसी को ये ना लगे कि हम फ्री में खा रहे हैं, किसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हम लोग। बाकी तो भाई यही है आप लोग भी सपोर्ट करो एल्विश यादव फाउंडेशन को। ओए ओए हमें तेरी शक्ल ना देखनी, हमें किसी और की शक्ल दिखा। यो कितनी बड़ी होगी, कितने साल की होगी? हो बता दे कितने साल की होगी, इसी पे तो पूछ रहा हूँ, बता बेटा कितने साल की होगी। हैं अच्छा तुझे हिंदी ना आवे, थाईलैंड में रहे, थाई भाषा आवे तुझे? थाई भाषा हमें ना आवे। हाँ बेटा देखिए हम फोन दिख दी कैसे सुन हो जावे। ओए कितने कितने साल की होगी कोमल? 10 साल की होगी। अभी तक चलना ना आया इसने, इसे सिखा हैं इसकी एज में। जब मैं था जब मोटा पता है मैं क्या क्या करता था, मेरे बेटा ने गाय का प्रस्ताव लिखना ही करा था, ए आ की कीमत ओ कुत्ते का प्रस्ताव भी लिख दिए करा था। उसकी दो टांग होती है, उसकी एक पूंछ होती है। कुत्ते का प्रस्ताव तो तैने कभी ना बताया मेरे को। आवे था तूने लिखना सारे प्रस्ताव, आवे तो तूने लिखना कुत्ते के इतने पैर होते हैं गाय के, इसने कौन सा किसका प्रस्ताव लिखना आवे भाई। तो लिखना आवे था कि पीछे का तो सेम था। अरे तो चुप, ये तो बिल्ली की आवाज निकाला है बेटा, निकालियो बिल्ली की आवाज। अरे कैसे ना निकाल ले, निकाल लेगी, निकाल बेटे निकालियो, इसका तो दांत भी ना आए अभी। जो खाना कैसा खावे भाई? 5 महीने की तो है अभी। अच्छा 5 महीने के गए तो 5 महीने में मैं तो पुलअप पुशअप। हाँ तू तो सब कुछ कर लिए कर रहा था, अब बोल लिया बोल ली। अरे तू कैमरा हटती क्या, प्याऊ प्याऊ कर रहा है भाई। है कर दोबारा प्याऊ करियो ना करे। चल भाई मत करे भाई, भाई वो तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे से नफरत करे मम्मा। मेरे आगे आती गैल हंसे भी ना आवाज निकाले, जो निकाड़ेगी निकाड़ेगी, निकालियो बेटा निकालियो, चल मत निकाल सो जा तू। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी भाई यार आ गए, ये अपनी वो जो मेरी मोटी वाली लड़की थी वो थी, और ये एक जो मेरी जिसकी आँख कमजोर थी लड़की वो आ गई। ओ भाई आपकी तो आँख कमजोर थी अब ना, आपको कमजोर है वो तो सुन तो सही, अभी 5 मिनट में बताओ क्या होने वाला है। रिकॉर्ड टूटा है कई लोगों के भाई, हमें लग रहा है हम ये नहीं कह रहे तोड़ देंगे, हमें लग रहा है कि अभी 5 मिनट में ना इंडिया का एक रिकॉर्ड टूटने वाला है, मैक्सिमम लाइव वॉचिंग जनता प्यार देगी तोड़ देगा। देखो हाँ। शाहरुख खान सर का था पहले 4.5 लाख का, फिर एमसी स्टैन भाई ने तोड़ा वो 5.5 लाख का, आज 1 मिलियन कर देते भाई। अगर आज टूट गया ना 1 मिलियन हो गया ना, देखो दाढ़ी मूंछ भी सेट करवा चलेंगे अभी। 1 मिलियन तो बता नहीं मुझे, और स्टैन का रिकॉर्ड टूट जाएगा स्टैन भाई आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा, सॉरी पर क्या करें भाई मुझे पता नहीं, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, अभी देखेंगे टाइम बताएगा, वो तो अभी शुरू होने वाली लाइव आएगा ना, अभी ना अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ लाइव यार। कितना टाइम रहा? 1 मिनट रहा, 1 मिनट में भाई आपा लाइव आ जाएंगे, और 4 बज गए। बज गए जय श्री राम।
भगवान हमें ताकत दो रिकॉर्ड तोड़ने की और पब्लिक का दिल जीतने की। जय श्री राम। फिल्टर तो लगा लेते। फिल्टर? मैं कोई छोरी हूँ जो फिल्टर लगाएगी? ले भाई फाइनली ऑन इंस्टा लाइव। देखूं आज वो चीज हम कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं। नहीं देखें 640 कितना दूसरी स्क्रीन में पता नहीं कितना दिख रहा होगा। 1 मिलियन कर दो अब। और अभी क्या 7000? ठीक है भाई आज आज रिकॉर्ड तोड़ना है मैक्सिमम लाइव वॉचिंग का। 1,70,000? 3 लाख? 3 लाख? 3,70,000? 4 लाख? कम ऑन 4 लाख? नहीं 3.5 लाख। 3,62,000 भाई यार 5.5 लाख का रिकॉर्ड है ना। 5.5 लाख का रिकॉर्ड है भाई। 5.5 लाख का रिकॉर्ड तोड़ दो यार। चल है 4 लाख? 4 लाख? 4 लाख? 4,18,000 रिकॉर्ड। 4.5 लाख होने वाले भाई। 4.5 लाख होने वाले हैं। 4.5 लाख हो गए। 4 4 4 भाई 4 50 5 50 का रिकॉर्ड तोड़ना। कम ऑन हम कर सकते हैं हम। अरे ये क्या हो रहा? पंजा दबा पंजा। यो कैसी लाइव वॉचिंग आ रही है मेरी? हम रिकॉर्ड क्यों ना तोड़ पाए? हम रिकॉर्ड ना तोड़ पा रहे यार। 4 4 4 4 तक गया यार। ये क्या करा हमने? हम रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए यार। तो ओए दोबारा चल पड़ा। अरे ओए दोबारा चल पड़ा। 5 लाख? अरे रुक जा 5 लाख होने वाला। चलो चलो अच्छा कुछ नहीं बोलना तब ज्यादा बढ़ते हैं। टूट गया टूट गया। 1 मिलियन तो मुश्किल है। चलो मुझे पता नहीं 6 लाख तक तो जाएगा बट मुझे जो भी लग रहा है। बट मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आप सभी लोगों से। भाई क्या कह रहे थे रिकॉर्ड नहीं टूटेगा? भाई तोड़ दिया भाई। मेरी पब्लिक भाई कुछ भी तोड़ सकता। तुम दोनों को भी तोड़ेगी देखियो जहाँ मर्जी हो भाई। मैं तो तोड़ना भाई खुशी से तोड़ लेंगे। 6 लाख हो गए रे। वो 6 लाख हो गए वो बना ले भाई लोग। तोड़ दे भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 6 लाख कर दो। यानी अब तो चलो कितने भी होने दो। जो हमें चाहिए था वो आपने दे दिया। अब सुकून मिल गया मुझे। बट मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे पे शब्द कम। राम राम जी। मैं कह रहा हूँ सुनो। मैं कह रहा हूँ बताओ सुना बताओ यो क्या पहन रखा मैंने? पूजा जी का सॉल। पूजा जी का दिखा दो। पूजा भट्ट का सॉल। हाँ चुराना कैसा? नहीं बेटे छू मत ले। पूजा जी दिखाना कहाँ है? इसकी खुशबू लेकर देख एक बार। इसमें मेरी खुशबू आएगी सूंघ के देख। पूजा जी की नहीं आएगी? पूजा जी की क्यों आएगी? सूंघ के देख तेरी कसम। ये तो पूजा जी की खुशबू है। अबे पूजा जी की खुशबू तो बढ़िया भाई। बंदे क्या कर रहे हैं यार? भाई जिया कहाँ से आ गई इसमें? ये मारी खुशबू है मारी। पूजा भट्ट है। पूजा भट्ट मार देती है अभी मुझे भाई। पीबी के बारे में कुछ न सुनूंगा मैं भाई। समझ में कटारे निकल जाए यहाँ से। पूजा भट्ट का सोल देख लो। पूजा भट्ट का सोल। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े लोग। कौन बड़े लोग? उससे भी बड़े लोग। चल रहा हूँ यार। वेट करें माय फ्रेंड। मैं कह रहा हूँ भाई प्रोग्राम है अपना कल। रेडी का प्रोग्राम है मतलब जो ब्लॉग देख रहे हैं आज प्रोग्राम है शाम के 5 बजे। सारे भाई ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंच जाओ गुड़गांव सेक्टर 38 पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना भाई क्योंकि ज़्यादा गाड़ी गुड़ी मत लाना समझे करो। ट्रैफिक व्रैफिक का सीन हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और क्या क्या भाई बताना भाई? और दूसरा रिक्वेस्ट ये है मेरी कि गेट नंबर 1 यूज़ करें पहले तो। ठीक है। दूसरा पार्किंग हमारे जो अलॉट हुई है वो पार्किंग अलॉट हुई है हमारी कोर्ट वाली राइट चौक के पास कोर्ट है। वहाँ कम से कम 2,500 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि गाड़ियाँ प्लीज़ वहाँ खड़ी करें।
तीसरी बात गेट नंबर 1 यूज कर जो मैदान तक साइड वाला गेट है उससे एंट्री होगी, ठीक है। चौथी बात रैली वैली किसी की कोई नहीं है, एक गाड़ी में 5 आदमी है तो 5 ले आओ भाई, 6 ले आओ, पर ज्यादा गाड़ी मत लेके आना प्लीज, जाम जाम लग जाएगा शहर में तो। नहीं जेनुइन प्लीज रैली मत निकालना, आप लोग आ जाओ, समझे करो, समझे करो, दिक्कत ना होनी चाहिए किसी भाई के, कल मिलने आ जाओ बस। और अगर पता है आपकी पावर इतनी है कि आप 1,00,000 गाड़ी भी लाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप आ जाओ प्लीज, आ जाओ। हेलो, तो अपने फुकरा भाई की वो चल रही है लाइव। हाँ भैया फुकरा मुझे वो क्यों ना ले रहा है लाइव, हम दोनों मिलकर रिकॉर्ड तोड़ दे। हाँ भाई आप तोड़ सकते हो दोनों भाई, कहते हम दोनों मिलकर मेरा रिकॉर्ड तोड़ दे, कुछ भी हो सकता है। अरे बापा जी आप बताओ ठीक हो, ये सब देखो ये प्यारी जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। हां जी ये ऐसे बना रहे हैं, जानो जानते उसका एलियस को मिलवा दो भाई, वो आएंगे प्रोग्राम है, वो नहीं बिग बॉस ही 3 साल में यार है, मिलवा दो। अच्छा कौन सा बिग बॉस क्या होता है, कौन सा बिग बॉस जीता हो नहीं पता, तो तुम जानते हो एलियस को? मैंने देखा तो नहीं, देखा नहीं, कोई बात नहीं, तुम बिग बॉस नहीं देखते भाई तुम, हैं भाई तुमने बिग बॉस गाड़ी किसकी, भाई गेट खोल दो, अरे खोल दे, खोल दे मेरे भाई, बड़ा इज्जत तो नहीं है हमारी ये तो देख ली। अरे ये पूछते ना कि एलविस ज्यादा व्लॉग्स देखता है तो अंकल हां बोलते भर देते भाई, बड़े वाला बिग बॉस जीत भाई, मास्क मोस्ट होएगा पीछे वाली गाड़ी किसकी है, मास्क कहांगा भाई, देखिए किसकी, अरे बना दो भाई, यो है लोकेशन कल की देख रहे हो तुम, खूब बड़ी लोकेशन है अपने, मैंने बहुत टाइम पहले कम से कम 10-15 साल हो गए मुझे जब मैंने पहला मैच खेला था यहाँ पे क्रिकेट का लेदर बॉल से, और ये बाउंड्री प्रॉपर पिच, दिस इज क्रिकेट स्टेडियम दाऊद बिलाल स्टेडियम, पूरी लाइटें वाइटें चसेंगी रात में, माहौल सेट करेंगे, स्टेज का लगेगा रे छोरे, इधर है स्टेज, स्टेज लगेगा इधर की साइड, मस्त हो जाएगा भाई, पूरा खचाखच भरना है कल, पूरा खचाखच नहीं समझ लो, कल इज्जत रखनी आएगी सीएम साहब के सामने, समझ रहे हो गाइस। हमारे साथ एक बहुत बड़ा आदमी है गाइस, गाइस मैं दिखा भी नहीं सकता इतना बड़ा आदमी, बड़ी बड़ी गाड़ी, लंबी लंबी गाड़ी, स्पोर्ट्स कार्स बाहर से इंपोर्ट होती हैं, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपका आपका भाई जीता बिग बॉस, आपको फुल पावर, मैं तो बहुत खुश था जब आप जीते थे ना, मैं तो इतना खुश था, मैंने भाई सारी वीडियो देखी तुम्हारी, जब तुमने रिएक्ट करा वो वाली भी, जब तुमने सपोर्ट करा वो वाली भी, तो दिल से बहुत थैंक यू सबसे पहले तो, और मुबारक आपको गाड़ी के लिए, सुपरा के लिए, बस अब रेस बची हमारी, मैं नहीं कर रहा हूँ तेरे भाई, अलग गाड़ी है वो वाली, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी आप ही जीतोगे, टेंशन ना लो, नहीं यार तुम जीतोगे भाई, कैसी चल रही है गाड़ी की खुशी हमारी, गाड़ी गाड़ी एकदम फुल पावर, बस मैं कल लेके गया, मुझे पता था मीटअप मीटअप वाला सीन है, लोग तोड़ ताड़ देंगे तो टेंशन ना लो गाइस, लेफ्ट हैंड ड्राइव है गाड़ी, लेफ्ट हैंड ड्राइव, लेफ्ट व्हील ड्राइव, आप चला के देखना मजा आएगा, मैं लेके आऊंगा, दिक्कत नहीं होती, नहीं थोड़ा एक दो बारी में दिक्कत होगी बट चला लोगे मस्त है, और दुबई नंबर प्लेट के साथ फ्लेक्स सिस्टम भाई, मुझे दिला दो, बताओ करवा देते भाई, मैं कौन सी गाड़ी चाहिए आप, गाड़ी बोलो मैं करवा, टेस्ला, टेस्ला की सिक्योरिटी बहुत आई है बट वो मैनेज हो जाएगी तो फिर इंपोर्ट करा सिक्योरिटी, बट फिर चार्जिंग स्टेशन का कैसे निपटाओगे इंडिया में, कोई डीजल दिला दो, डीजल आप गाड़ी बताओ कोई से भी, मैंने आपको पहले भी बोला था उस टाइम आपको जो गाड़ी चाहिए जी वैगन, हाँ जी वैगन बताओ चाहिए तो बताओ, उरुस, उरुस आ रही है 1 मिलियन, सॉरी प्राइस नहीं बताता बट उरुस भी चाहिए, उरुस भी आ जाएगी, हम लोग नेक्स्ट उरुस ही लेंगे भाई, भाई यार भाई और अनु ने भाई दोनों लेके आ गए गाड़ी, अब तीसरा नंबर मेरा क्योंकि मैं सोच रखी थी गाड़ी को डिलूंगा, अरे तो देने की जरूरत क्या है, इलेक्ट्रिक, अरे चार्जिंग का सॉकेट नहीं ना इधर, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है ना इंडिया में, हां कोई नहीं अभी हम प्लान करते हैं, तुम कमेंट करके बताओ कि गाड़ी कौन सी लाएं, भाई दुबई से ले आया, अब हमारी बारी भाई, तुम भी सजेस्ट कर दो कोई, जी वैगन बताओ, टॉप क्लास दिला देता हूँ, वेटिंग भी नहीं करना पड़ेगा, अगले दिन आ जाएगी, हमारे बजट में आ जाएगी, हम गरीब भी हैं, आप से ज़्यादा गरीब कौन होगा बड़ी बड़ी गाड़ी लिए हांडते इंपोर्ट कराते हैं, हमें कहते हैं भाई ब्लॉग को आज थोड़े हम अलग तरीके से एंड कर रहे हैं, कहीं जाते जाते तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।